हाय नमस्कार, मैं हूँ आचार्य। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है टैग वीर आचार्य और आ रहा है अपना नया प्रोडक्ट। तो गाइस, ये प्रोडक्ट कंपनी का न्यूली लॉन्च कीबोर्ड, इसका नाम है बबल प्रो, जो कि आता है इस तरह के लुक के अंदर। तो गाइस, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है, साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी है। इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज का अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कीबोर्ड कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कनेक्टिविटी है और कैसे कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, ये है प्रोटोनिक्स कंपनी का न्यूली लॉन्च्ड कीबोर्ड बबल प्रो। यहाँ पर मेंशन करती है वायरलेस कीबोर्ड विद टच पैड और कीप काम एंड कीप टाइपिंग, यानी कि इस तरह का लुक में आता कीबोर्ड आप देख सकते हो। यहाँ ट्रैक पैड भी दे रखा है जो नॉर्मल लैपटॉप के अंदर होता है। और जो ये कीबोर्ड है आपका एंड्रॉइड, iOS एंड विंडोज कंपेटेबल है। साथ ही में इसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, अदर फीचर की बात करें, अदर फीचर में कंपनी मेंशन करती है 18 मिनट टाइप लाइफ है इसकी। कॉम्पैक्ट एंड साइलेंट डिजाइन है इसका। लो बैटरी कंजम्पशन है इसके अंदर। और MRP की बात करें, MRP आती है तकरीबन 1599 रुपये। एक साल की वारंटी होती है प्रोडक्ट के ऊपर। कंटिन्यू फॉर है चाइना। तो फिलहाल कीबोर्ड का अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से निकालते हैं कीबोर्ड को बाहर और देखते हैं कीबोर्ड किस तरह का है। कीबोर्ड हमारा इस तरह की पैकिंग के अंदर आता है और यहाँ पर रख लेते हैं इसको। और एसेसरी की बात करें तो इसमें अपना यूज़र मैनुअल मिस है, कंपनी लगता है इस वाले बॉक्स में नहीं है या कंपनी डालना भूल गई है। लेकिन अपना वारंटी कार्ड इसमें ऑलरेडी दे रखा है कंपनी, जिसमें आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल बॉक्स में कुछ नहीं है, फिलहाल यही है। ये हमारा कीबोर्ड इस तरह की रैपिंग में आता है। इसको यहाँ पैक निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारा कीबोर्ड काफ़ी स्लीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर के अंदर देखिए आप कितना स्लीक है, पतला सा कीबोर्ड है, बिल्कुल स्लीक ना, और काफ़ी पतला है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, तो काफ़ी स्लीक कीबोर्ड है। और ये है इसकी कीज, बिल्कुल साइलेंट है, स्लीक डिज़ाइन है इसका। बिल्कुल ना कीज बिल्कुल साइलेंट है, जैसे चिकलेट कीबोर्ड होती है ना, बिल्कुल साइलेंट कीज हैं। और जो कंपनी मेंशन करती है, जो इसकी लाइफ मेंशन करती है 18 मिनट टाइप लाइफ है इसकी। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इजीली आपका कनेक्ट हो जाता है, iOS पे कनेक्ट हो जाता है, एंड्रॉइड पे कनेक्ट हो जाता है और विंडोज से कनेक्ट कर सकते हो। इसके लाइनक्स पे भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये अपना ब्लूटूथ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे इजीली रन करता है, दोनों थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और लो बैटरी कंजम्पशन है इसके ऊपर जो कंपनी मेंशन करती है। और मुझे तो कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लगा। इसका नंबर लॉक का इंडिकेटर, यहाँ कैप्स है, यहाँ पर आप बैटरी लाइफ दिखा देता आपको। और ये सारा इस तरह के कीबोर्ड से। और यहाँ दे रखा है अपना जो टच कंट्रोल होता है, टच पैनल होता है ना लैपटॉप के अंदर, तो उसी तरह का यहाँ दे रखा है। प्रो लाइट लेफ्ट और राइट क्लिक भी यहाँ दे रखी है इजिली। तो इस तरह का कीबोर्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लुक काफ़ी अच्छी है, सारे आपको कीज मिल जाती है प्रॉपर यहाँ पर। और यहाँ है ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हो। तो कंपनी साथ में बैटरी नहीं देती है। और ये है इसका डोंगल, जिसके थ्रू आप अपने PC लैपटॉप से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो आराम से। ये अपना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करता है, जैसा आप ये देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर एक बार और सेल डाल के देखते हैं कीबोर्ड का, एक बार चेक करके किस तरह का है। तो बैटरी आएगी कुछ इस तरह से, यहाँ डाल सकते हो बैटरी को इस तरह से। और ऐसा आएगी बैटरी, यहाँ डाल दी बैटरी मैंने। तो गए हाँ, बैटरी लगा ली है, इसको पैक कर देते हैं एक बार यहाँ से। ये हो गया। और ये इसको ऑन ऑफ स्विच, इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से एक बार। और ये देखेंगे हमें लाइट ब्लिंक करनी, लाइट जल्दी स्टार्ट हो गई है। और कनेक्टिविटी इजी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये FN का है यानी फंक्शन का बटन है, उसको पेयर करना है यहाँ पर ब्लूटूथ के ऊपर। तो यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया ना। अगर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे लेके जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे लेके जाएंगे तो यहाँ फिर भी लिंक करना स्टार्ट कर दिया लाइट। यानी कि आप ब्लूटूथ के थ्रू और अपने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यानी कि आप डोंगल के थ्रू भी इजीली से कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ देखा iOS, एंड्रॉइड एंड विंडोज़, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने आईफोन से कनेक्ट करना है, आपने FN दबा के ब्लूटूथ करेंगे, यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिव शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर iOS से कनेक्ट करना है, फिर आप दोबारा आपको क्या करना है, फंक्शन प्लस iOS करेंगे क्लिक, तो ये iOS के लिए कंपेटेबल हो जाएगा। अगर आपने करना है एंड्रॉइड पे, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, वो सेम वही पर्पज़। अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो आपको करना होगा FN प्लस ब्लूटूथ साथ में फंक्शन प्लस एंड्रॉयड, तो आपको एंड्रॉयड कंपेटिबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। अगर आपने विंडोज के साथ करना है तो सेम आपको वही करना है, FN फंक्शन की दबानी है प्लस ब्लूटूथ दबाना है, और उसके बाद फंक्शन की प्लस आपने विंडोज़ को दबाना है, तो ये आपका लैपटॉप के साथ भी ब्लूटूथली कंपेटिबल इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्लस कनेक्ट करके चेक करते हैं अभी फ़ोन के साथ। तो चेक कराता हूँ आपको ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं फ़ोन के अंदर। तो फिलहाल कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ। तो ये आ गया मेरा मोबाइल फ़ोन, तो चलते हैं ब्लूटूथ के अंदर और सर्च करते हैं डिवाइस को। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेन डिवाइस ऑन कर दिया मैंने, अभी दिखाते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ पर आ गया अपना कनेक्ट है, अभी यहाँ चलते हैं फंक्शन प्लस ब्लूटूथ के ऊपर, और उसके बाद चलेंगे हमें अपना फंक्शन प्लस एंड्रॉयड या फ़ोन पर कनेक्ट करना है, उसके बाद आ जाएगा फंक्शन प्लस कनेक्ट।
तो ये आगे बबल प्रो देखिए, यहाँ बबल की ब्लिंक करने स्टार्ट करी, यहाँ आगे बबल प्रो आप देख सकते हो यहाँ पर, क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये आगे पेयर मोड, तो पेयर कर लेते हैं फिलहाल इसको एक बार। और हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है हमारे मोबाइल के साथ, आप देख सकते हैं बबल प्रो कनेक्टेड आ गया यहाँ पर। और अब यहाँ बैक स्पेस करता हूँ, कट जाएगा, राजेश लिखता हूँ मैं यहाँ पर अपना नाम, ये देखिए आ गया मेरा नाम यहाँ पर, और ये बैक स्पेस करता हूँ तो ये नाम इसको हटा सकता हूँ। तो अभी कनेक्ट हो गया मेरे फ़ोन के साथ, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। देखिए अगर कुछ व्हाट्सएप करना है जैसे किसी को, मैं यहाँ पर करना है कॉपी, और ये आगे कॉपी, अगर वो सेंड करना है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल टैप करना पड़ेगा उसके बाद एंटर, तो ये सेंड हो गया, आप देख सकते हो सेंड हो गया। फंक्शन की प्लस ब्लूटूथ दबाना है, उसके बाद फंक्शन की प्लस आपको एंड्रॉयड करना है, उसके बाद फंक्शन की प्लस कनेक्ट करना है, तो ये आपका प्रॉपर कनेक्टिंग मोड पर आ जाएगा। फिर आप सर्चिंग में जाइए ब्लूटूथ के, और डिवाइस सर्च कीजिए, कनेक्ट करिए उसको, और फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके टाइप करना हो आप इजी टाइप कर सकते हो, जैसे मेरा नाम है चैनल का टेक विद राजेश, आ गया ये देखिए मैं चैनल का नाम आ गया टैग भी राजेश आ गया। और सेंड करना हो तो इजी क्या करना है, टैब है उस पर डबल टैप करेंगे यहाँ पर आप, उसके बाद एंटर की दबाएंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो मैसेज है सेंड हो जाएगा नेक्स्ट बंदे को जिसको आप सेंड करना चाहते हो। तो इजी है, इजी कनेक्ट कर सकते हो आप इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना हो। इसी तरह अगर iOS है सेम आपको यही ऑप्शन अपनाना है, फंक्शन प्लस ब्लूटूथ फंक्शन प्लस iOS, तो आपका फ़ोन उसके साथ iOS के साथ कंपेटेबल हो जाएगा, इसी कनेक्ट कर सकते हो और उसी कनेक्ट के आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। तो नॉर्मल बाकी सब सेम है, आप जैसा कैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो आराम से, आप कोई भी आप टाइप करना चाहते हो ईजिली ऐसे करके आपको डबल टैप करना है इसके ऊपर और ये आपका एंटर हो जाएगा, आपको मैसेज सेंड हो जाएगा। तो गाइस ये था इसका मेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंपनी का न्यूली लॉन्च कीबोर्ड बबल प्रो। तो आपने देखा कीबोर्ड किस तरह का है, क्वालिटी कैसी है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी है, इसके कैसे कैसे यूज कर सकते हो उसको, कितने सारे फीचर दे रखे हैं फोन से टैबलेट से, अपने पीसी या कंप्यूटर किससे भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपसे लेना चाहते हैं इसको बेस्ट वैल्यू डिस्काउंट डाल दूंगा, आप परचेज कर सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हमें दी जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।